इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको गूगल अकाउंट पर बनाते टाइम आपको इस तरीके से दिखाता है जो कि हमारी डिस्प्ले पर शो कर रहा है, तो ये नोटिस क्या रहता है जिस वजह से हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको पूरा लिखा हुआ आता है, ए चाइल्ड्स गूगल अकाउंट्स नीड अ स्पिरिट फ्रॉम अदर्स यूज़र हैव टू प्रोवेंट एक्सेस द इन्फो सेटिंग्स एरेंट मीट्स टाइम। तो इस तरीके से आपको दिखाता है। देखिए, अगर आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप चाइल्ड वाला अकाउंट मत क्रिएट करिए, ठीक है। बाकी आप जो है अपना मान के चलिए क्रिएट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको दूसरे अकाउंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको दिखाया दिखा है अकाउंट सेटिंग्स एड यूज़र, ठीक है, क्रिएट न्यू यूज़र, ठीक है। तो रिमूव करने पड़ेंगे आपको अदर्स अकाउंट, एंड आपको जो है जब आप अकाउंट बनाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ को सही से डालिएगा। आप जो है 18 साल से उम्र की ज़्यादा की डालिएगा, और कम की डालते हैं अकाउंट बनाते टाइम तो इस तरीके का इशू आपको आ जाता है, क्योंकि ये पेरेंट्स वाला रहता है सिस्टम। आपको पेरेंट्स गार्जियन से परमिशंस लेनी पड़ेगी एक छोटे बच्चे का अकाउंट बनाने के लिए, तो उस वाला ही सिंबल्स पूरा का पूरा आता है। तो आप जो है अकाउंट पर जो है एक डेट जो है सिलेक्ट करिएगा ज़्यादा उम्र की, जब आप अकाउंट बनाते हुए हों तो, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप अपना अकाउंट की डेट ज़्यादा रखेंगे 18 से, तो आपको इस तरीके से नहीं आएगा। चाहे आप बिजनेस बना लीजिए उसमें, चाहे फिर आप इसमें कोई सा भी बना लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, बिजनेस सेल्फ पर जाते हैं, नाम लिखते हैं, ठीक है। यूज़र नेम आपका ऑप्शनल है, ठीक है, लगाएं या मत लगाएं। अब यहाँ पर आप मैं डालता हूँ 1/1 अक्टूबर और यहाँ पर सन 2022, और इसे जेंडर सेलेक्ट करता हूँ, तो यही वाला इशू हमें देखने के लिए मिलेगा। 22 तो लग भी नहीं रहा है इसमें, लेकिन हम डाल लेते हैं 2014 और नेक्स्ट करते हैं, तो ये आ गया यहाँ पर वही वाला इशू, अदर्स अकाउंट फाउंड। लेकिन हम इसको डेट को एक मैच्योरिटी से ऊपर रखेंगे, जैसे कि सन 2000, तो ये जो है हमारा अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।